आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, भगवान की दिल से पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती है। वो इसलिए कि मंदिर के पूजा के कुछ नियम हैं जिनका हम पालन नहीं करते हैं, तो भगवान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती है। आइए जानते हैं मंदिर में पूजा करने के ज़रूरी नियम। मंदिर में पूजा करते समय अन्य भक्तों से दूरी बनाकर पूजा करें, उनसे सटकर या चिपक कर खड़े होकर पूजा ना करें। मंदिर में पूजा करते समय भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़े रहकर कभी भी पूजा ना करें, दूरी बनाए रखें। और मंदिर में पूजा करने के दौरान अपने पास बेल्ट या पर्स आदि ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो काले कपड़े पहनने से बचें, इससे आप में नकारात्मक भाव पैदा होता है। तो काले कपड़े पहनकर पूजा करने ना जाएं। और मंदिर में पूजा करने के दौरान कभी भी गलती से उल्टी परिक्रमा ना करें। और मंदिर में पूजा करने के दौरान आपको कभी भी खड़े रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको आसन बिछाकर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़े रहकर पूजा करने से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की पूजा का फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंगे सर पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में पूजा करने के दौरान आपको आपके सिर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। अगर महिला पूजा कर रही हैं तो दुपट्टे से सिर को ढककर पूजा करनी चाहिए। अगर पुरुष पूजा कर रहे हैं तो रुमाल आदि से सिर को ढककर पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से पूजा का फल आकाश में चला जाता है और आपको पूजा का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ये मंदिर में पूजा करने के ज़रूरी नियम हैं। अगर आप इन नियमों के साथ पूजा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल जरूर मिलेगा और आपकी प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। आप जानते हैं पूजा के अंत में हमें क्या बोलना चाहिए। पूजा करने के दौरान कभी ना कभी हमारे से कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसे भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में पूजा के बाद आपको भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में पूजा के बाद भगवान से माफ़ी मांगने का नियम है, इसलिए भगवान की पूजा करने के बाद बिना भूले भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान से माफ़ी मांगने के लिए इस लिखे हुए मंत्र का आप जप कर सकते हैं या इस मंत्र के अर्थ का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, अवाहम न जनामि न जनामि तवार्चनम, पूजाम चैस्व न जनामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तद् स्मतु। आप जानते हैं इस मंत्र का अर्थ। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे प्रभु, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना विदा करना पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। इस परंपरा का आशय ये है कि भगवान हर जगह हैं, उन्हें ना आमंत्रित करना होता है
और ना विदा करना, ये जरूरी नहीं है कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। दोस्तों, आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं या कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, या फिर आप मंदिर में पूजा के लिए गए हैं? पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए, बिना इसके पूजा पूरी नहीं होती है। यदि आप मंत्र और अर्थ नहीं पढ़ सकते हैं, तो केवल हाथ जोड़ से भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक विनम्र अनुरोध है, मेरी बनाई हुई पोस्ट में जो भी कमी है या जो चेंज आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सहयोग हमें चाहिए, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार सही सच नहीं है। नमस्कार।